हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करूंगा, क्योंकि मैं अभी ऑपरेट कर रहा था। आजकल आपको पता है नॉर्थ इंडिया में कोल्ड विंटर सीज़न है, और विंटर सीज़न में अचानक से कैटरेक्ट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग आज भी प्रेफर करते हैं कि मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को वो गर्मियों में ना ऑपरेट करा के एक पर्टिकुलर सीज़न में कराएँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जब बहुत ज़्यादा विंटर होता है तब भी प्रॉब्लम होती है कि विंटर्स में नहीं कराएंगे, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। फिर वो समर्स का वेट, समर्स आता है तो फिर कहते हैं कि नहीं मौसम ठीक हो जाए। लेकिन फिर से मैं कहूँ कि ये भ्रांतियाँ हैं, ये मिथ्स हैं, और इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से विंटर्स में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और समर्स में हॉस्पिटल्स लगभग एम्प्टी हो जाते हैं, कम हो जाता है काम। लेकिन काफ़ी हद तक अब इस मिथ्स पे लोगों ने अब रिएक्ट करना शुरू किया है, और अब साल भर सीज़न लोग अपने को ऑपरेट कराते हैं। सच कोई इस तरह का सीज़न में नहीं कराते। फिर भी अभी एक पेशेंट को मैंने ऑपरेट करा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये लेंसेज से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी लेंस लगाएं, सर्जरी अच्छी होनी चाहिए तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो बिल्कुल बात सही है, अगर आपकी सर्जिकल क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली विज़न अच्छी आएगी आपको, लेकिन लेंस भी बहुत मैटर करता है। जैसे आपके हाथ में आज अगर आप कोई फ़ोन ख़रीदेंगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेंगे। फ़ोन पे बात करने के लिए तो आपके पुराने एनालॉग फ़ोन से भी आप बात कर सकते हैं, कोई न्यू जनरेशन फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उसमें इंटरनेट अवेलेबल है, उसमें स्मार्ट टच फीचर्स अवेलेबल हैं, उसमें कैमरा की क्वालिटी बेटर है, उनकी पिक्सल क्वालिटी बेटर है। तो सिमिलरली हमारी आँख के अंदर जो लेंसेज लग रहे हैं, जो आज 50 साल पहले टेक्नोलॉजी थी और आज की टेक्नोलॉजी में डिफरेंस होगा? नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस है। तो इसलिए सर्जिकल क्वालिटी के लिए डेफिनेटली हमें अच्छे लेंसेज पे जाना चाहिए। अच्छे लेंसेज में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगा लेंस है या मल्टीफोकल लेंस है मैं उसी को रिकमेंड करूँगा, या आपकी आँख के लिए वो जितना पैसा खर्च करेंगे वो उतना बेटर लेंस होगा, ऐसा नहीं होता। आपकी आँखों को कौन सी आँख, किस तरह के लेंसेज आपको सूट करेंगे, वो हम लोग बहुत सारे टेस्ट करके आजकल निकालते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कस्टमाइजेशन इन कैटरेक्ट सर्जरी। कस्टमाइजेशन मतलब हम पहले उसकी टोपोग्राफिकली आई को असेस करते हैं, फिर हम लोग बायोमेट्री करते हैं, उनकी वजह से उनसे हमें पता लगता है कि पेशेंट के एक्स वाई में कितना डिफरेंस है, पेशेंट की एंगल विजुअल एक्सिस और एनाटॉमिकल एक्सिस में कितना डिफरेंस है, क्या हम में पर्टिकुलर लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे सिलेक्शंस के थ्रू फिर पेशेंट का प्रोफाइल कैसा है, उसकी कितनी एक्टिव लाइफ लीड कर रहा है, कितना उसको ड्राइव करना है, नाइट में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना वो उसको प्रिसीजन वर्क करना है, कमरे के अंदर कितना काम है, कितना स्क्रीन पर काम करना है, ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए ये लेंसेज ज़्यादा बेटर होंगे, इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विज़न और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी लेंस किसी भी आँख के लिए है, लेंसेज में सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमें उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप अपने जब डॉक्टर के पास जाएं तो ये बिल्कुल डिसाइड करिए कि उनसे पूछिए कि मेरी आँख के लिए कौन सा बेस्ट लेंस होगा, डिस्कस करिए। मल्टीफोकैलिटी के बारे में अगर आपको जानकारी अधूरी है तो डिस्कस करिए, अगर आपको इंटरमीडिएट लेंसेज के साथ जाना है तो वो डिस्कस करिए, और आपको जो बेस्ट टॉरिक लेंसेज आपके प्लांट होने हैं उसके बारे में डिस्कस करके फिर आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि मेरे को मेरी आँख के लिए कौन सा सूटेबल लेंसेज है। ज़रूर कॉस्ट में डिफरेंस होता है, कॉस्ट एक ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत लोग कॉस्ट की वजह से सर्जरी कराने में एक्सपेंसिव लेंसेज में नहीं ऑप्ट कर सकते हैं। अगर उनकी वाकई में वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। आप कोई भी अपना, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में कोई भी आदमी, कोई भी पेशेंट यहाँ से निराश होकर ना जाए। हर सेगमेंट, हर तबके के लिए सर्जरीज होती हैं। एक आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको भी वर्ल्ड क्लास सर्जरी करने का बिल्कुल उसके पूरे राइट्स हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो अफोर्ड कर सकते हैं पेशेंट्स, उनसे थोड़े से पैसे ऐसे लें जिससे कि हम अपने पुअर सेगमेंट पेशेंट्स को जो अफोर्डेबिलिटी है उनको हम वो बेनिफिट्स ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो इसीलिए जो अच्छे लोग हैं, वेल ऑफ लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट होती है कि वो प्लीज़ आप अपने आसपास लोगों को देखिए जिनको ज़रूरत है, उनकी अगर आप हेल्प कर सकते हैं करें। हॉस्पिटल भी आपके साथ खड़ा है, हेल्प जो हम लोग से बेस्ट पॉसिबल हेल्प होगी वो हम करेंगे। लेकिन जैसे फिर मैं बता रहा हूँ कि लेंसेज में केवल कॉस्ट फैक्टर नहीं है, जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल लेंस है वो आपकी आँख में बहुत सारे टेस्ट के थ्रू पता लगेगा, और वो हम इम्प्लांट करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ विज़न डेफिनेटली बेटर होगी। तो जैसे ये जवाब उन पेशेंट का है जिन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई भी लेंस लगवाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस ये तो आप लोग हमें बताते हैं कि सब ये इसके फ़ायदे हैं, उसके फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदा अल्टीमेटली, या मैंने अपने किसी रिलेटिव में सर्जरी कराई थी उसमें मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिले, लेकिन उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे रेटना डैमेज हो सकता है, ग्लॉकोमा एक फैक्टर है,
आपकी आँख में कॉर्निया की कंडीशन कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपकी आँख के अंदर कैसे आउटकम रिजल्ट्स के आएंगे। आपके पर्दे पे कोई डिफेक्ट है तो आपके विजन आउटकम नहीं आएंगे डिस्पाइट आप कोई भी लेंस सेलेक्ट करिए। तो इसलिए डॉक्टर के साथ मिलकर डिसाइड करिए कि आपकी आँख के लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल लेंस रहेगा। आई होप कि मेरा ये मैसेज आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई भी सवाल आपके हैं बिल्कुल पूछिए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको आंसर करूँ पर्सनली भी, और अगर ज़रूरत लगेगी, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे एक से रिलेटेड होंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको वीडियो बना के मैं उनका जवाब। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत खुश रहिए, अच्छी हैबिट्स रखिए, अच्छा खान पान रखिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी आँखों को बहुत बचा के रखिए। थैंक यू, नमस्कार।